आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So our question is, if fx is equal to this for all x is greater than 0 and less than pi by 6 is continuous and x is equal to 0 पे function ऐसा है, lambda defined है, ये continuous है कब? At x is equal to 0 then we have to find the value of this. Okay, अब देखो अगर fx is continuous, अब continuous का मतलब समझते हैं कि fx अगर continuous है किस पे? At x is equal to 0, इसका मतलब है इस function की limit x टेंडिंग टू जीरो एंड इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब f ऑफ x जब जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी है? लैम्बडा, यानी इसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या आ जानी चाहिए? लैम्बडा के इक्वल। अब लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, मतलब जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट, तो यानी जीरो से बड़ा है तो ये रख सकते हैं हम इस टाइम पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 का स्क्वायर और 10 3x डिवाइडेड बाय x इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू लैम्डा। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस लिख रहे हैं, ठीक है, जीरो प्लस, यानी हमने क्या करा है, राइट हैंड लिमिट निकाली है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस होगा तो राइट और लेफ्ट दोनों बराबर होंगी लिमिट्स, तो हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, हम यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करोगे, है ना, और वो x स्क्वायर हम इसके साथ लिख रहे हैं पर अपना साइन स्क्वायर x। अब ये बचा 10 3x के साथ मैं नीचे ये x बचा है वो लिख रही हूँ, ये 10 3x के लिए मैं नीचे 3x से डिवाइड कर रही हूँ, तो 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और फिर ये 1x बचेगा इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये सब क्यों किया है, देखो हमें पता है कि जो लिमिट कुछ रिजल्ट होता है एक्सटेंडिंग टू जीरो, अगर यहाँ पे है सपोज a की पावर x माइनस 1, मतलब इसकी जो लिमिट होगी a की पावर x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x, इसकी जो लिमिट होती है ये क्या होती है हमारी, ये होती है log a, ठीक है, इसकी लिमिट क्या होती है? लॉग ए होती है, राइट। नेक्स्ट हमारा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा इज वन एंड लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो वन, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये थीटा अपॉन साइन थीटा होगा तभी भी ये वन आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी इसको थोड़ा इसको दोबारा से लिख रहे हैं, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस इसको लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, फिर इस पे लिमिट लगाएंगे लिमिट 10 3x अपॉन 3x x टेंडिंग टू जीरो, फिर इस पे अलग लिमिट लगाएंगे, लिमिट को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं x अपॉन साइन x का स्क्वायर और फिर ये x x कट गया तो यहाँ पे इंटू 3 इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 और उसका स्क्वायर ये इंटू 1, ठीक है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1 का स्क्वायर और इंटू 3 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो क्या वैल्यू ये आ गया हमारा, कितना ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी 10, और हमें क्या दे रखा है, ये सब वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है कि 10 रूट 3 लैम्डा इज इक्वल टू लॉग एन स्क्वायर, राइट, ये हमें दे रखी थी ना कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 लॉग 2 का स्क्वायर इंटू 3 और डिवाइडेड बाय लॉग 2, ठीक है, ये क्या है, लॉग 2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 10 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ये 3, log 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा log 2 और डिवाइडेड बाय log 2, ये कैंसिल, तो 30 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।